हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से, जिसमें हम यूपीपीसीएस के 2018 में जो भी मेंस एग्जामिनेशन में चेंजेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग कुछ पेपर हैं जो कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के नाम से ऐड हुआ है, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये लेसन 9 है इसका। इस टाइम हम लोग एटीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में एटीट्यूड का फर्स्ट पार्ट जो है वो लेक्चर नंबर 8 में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, तो इसको देखने से पहले आप उसे देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा हम टारगेट ऑडियंस की अगर बात करें तो कौन कौन देख सकता है यूपीपीसीएस के 2019 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी लोग, 2018 मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले सभी लोग, और यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए और दूसरे स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड नाम से सिलेबस में मेंशन है ये सारे टॉपिक्स। तो हम अपने सिलेबस का सेकंड यूनिट एटीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं और इसका पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा आशा करता हूँ मैं, और जिन्होंने नहीं देखा है तो उनसे गुजारिश होगी कि पहले उसको देख लें फिर इस पार्ट पर आएँ, क्योंकि दोनों कॉन्टिन्यूएशन में ही हैं। साथ ही साथ आज भी हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आज का केस स्टडी बहुत ही मज़ेदार है, आप बिल्कुल अंत तक बने रहिए और इसको देखिएगा, समझिएगा ज़रूर से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो एक हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर को पढ़ते हैं, उन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी, एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो भी अचीवमेंट्स है आज वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये केस स्टडी और एडमिनिस्ट्रेटर वाली लाइफ, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी एटीट्यूड का बचा हुआ पोर्शन है उसमें हम देखेंगे एक तो इन्फ्लुएंस क्या होता है और एक देखेंगे परसुएशन क्या होता है। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको कभी मैंने डील नहीं किया अपने बेसिक्स में भी, तो इसीलिए इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की 2018 और 19 का यूपीपीसीएस के लिए एक पेड ग्रुप है हमारा, इसमें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी डिटेल्स दी हुई है, आपको मिलते हैं इसमें पीडीएफ, जो भी मैं पीडीएफ से भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी इन सारे सब्जेक्ट्स में। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको पता है कि बिना इसके कुछ भी होने वाला नहीं है अपन लोग का, तो सबसे सही यही होगा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जल्दी से कर लें और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, मिनिमम कॉस्ट पर है, नीचे सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस में हम ये समझना चाहते हैं कि किस हिसाब से हमारे एटीट्यूड में जो भी चेंजेस आते हैं या फिर हमारा एटीट्यूड जो भी डेवलप हुआ है वो आखिरकार कहाँ की देन है, हमारी सोसाइटी की देन है। सोसाइटी में हमने पिछले लेक्चर में कुछ देखा था कि फैमिली का रोल क्या है, सोशल इंस्टीट्यूट का रोल क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम सोशल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे कि किस हिसाब से हमारे आइडियोलॉजीज, हमारे थॉट्स, हमारे एटीट्यूड्स इन सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग मोल्ड किए गए हैं। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस एक मेजर टॉपिक है हमारे सोशल साइकोलॉजी में, जो कि ये देखता है कि इंडिविजुअल के थॉट्स, एक्शंस, फीलिंग कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं किसी भी सोशल ग्रुप से। ये इस बात पर फोकस करता है कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो आउटसाइड फैक्टर्स के द्वारा कैसे इन्फ्लुएंस होता है, और ये जो इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर है हमारे अंदर, ये एज ए होल हमें क्या बनाता है, हमें कैसे एक दूसरे से अलग बनाता है, तो इसके बारे में ये पूरा सोशल इन्फ्लुएंस का टॉपिक है और ये सोशल साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशल साइकोलॉजी में हम लोग बेसिकली ह्यूमन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन के माइंड की स्टडी करते हैं कि किस हिसाब से सोसाइटी ने सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके उसने अपने एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस को चेंज किया है या ढाला है। सोशल इन्फ्लुएंस की बात करें तो मेजर दो फॉर्म्स मिलते हैं इसके। पहला एक नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है और दूसरा इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस मतलब क्या? नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस मतलब कि वो चीज़ें जो कि हम किसी भी भीड़ को देखते हैं और जो भी हमें पसंद आता है उसको बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि हम या तो ये बोलें कि मतलब जो भी चीज़ें हम करते हैं वो ग्रुप कई बिहेवियर से बहुत ही मिलता जुलता होता है, जैसा भी भीड़ भाड़ में जो भी लोग करते होंगे वैसे हम भी करेंगे। मतलब हम सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, जो भी क्राउड होता है ना, क्राउड के सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को बस फॉलो कर लेते हैं। ये ह्यूमन का फंडामेंटल नीड है कि उसको सोशल ग्रुप से बिलोंग रखना ही रखना है। मतलब वो किसी न किसी हिसाब से वो
सोशल ग्रुप से बंधा हुआ रहना चाहता है, वो आइसोलेटेड कभी भी नहीं रहेगा। कोई भी इंसान आइसोलेटेड नहीं रहना चाहेगा, वो हमेशा चाहता है कि सोशल ग्रुप के अंदर ही हम रहें। और उसको इसका रिकग्निशन चाहिए होता है कि लोग जो भी सोशल ग्रुप में हैं उसको सपोर्ट करें। तो उसके लिए वो क्या करता है कि जो भी सोसाइटी, जो भी क्राउड, जैसा भी परफॉर्मेंस किसी भी सिचुएशन में देता है, तो उसी से इन्फ्लुएंस होके ये भी अपने एटीट्यूड को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर लेता है। तो ऐसा जब भी होगा केस, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। हम जो भी कॉमन बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिहेवियर सोसाइटी का जो भी हम एग्री करते हैं इनसे, वो ही हमारे सर्वाइवल के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। और हमें ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, कि ये एक्सेप्टेंस वैल्यू जो है ना हमारे लिए सोसाइटी के लिए, मतलब हमारा सोसाइटी के लिए जो भी एक्सेप्टेंस वैल्यू है उसको बढ़ा देते हैं। बिल्कुल जायज़ सी बात है कि अगर एक ऐसी सोसाइटी है, मान लीजिए वाराणसी की एक ऐसी सोसाइटी है जो कि सुबह सुबह उठ के घाट पर जाती है और जितने भी वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी होता है वो सब बिल्कुल नित्य प्रतिदिन वो लोग ये काम करते ही करते हैं कि सुबह सुबह उठ के उनका सबसे पहला काम होता है नहा धो के वो घाट पर आएँ और घाट पर आरती होती है सुबह सुबह 5 बजे भोर में, उस आरती में पार्टिसिपेट करें और सब लोग पूजा वूजा करके फिर वहाँ से वापस जाएँ। ये मान लीजिए इस सोसाइटी का बिल्कुल ट्रेडिशन है। अब इस ट्रेडिशन पे बेस्ड अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करता है तो ऑब्वियसली बात है उसको सोशली एक्सक्लूजन मिलेगा, उसको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ नहीं फॉलो करता है, तो वो अलग थलग रहेगा थोड़ा सा। लेकिन अगर उसको सोसाइटी से रिकग्निशन चाहिए, एक्सेप्टेंस वैल्यू चाहिए सोसाइटी का, तो उसको वही फेथ, वही बिलीव, वही वैल्यू, वही एटीट्यूड, वही बिहेवियर उसको भी अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, तो उसको एक्सेप्टेंस वैल्यू ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा। तो इसीलिए होता है कि नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि हम हमेशा वो काम करते हैं जो कि क्राउड करता रहता है। अब इसके चलते क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एस का क्लासिक स्टडी 1955 का एक स्टडी है, इसके हिसाब से क्या हुआ कि इन्होंने 3 लाइनें खींची, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स को इन्होंने बुलाया और जब भी ये जिस ग्रुप को बुलाते थे उससे उसके रिलेटिव में, मतलब अपने मान लीजिए ये एक पर्सन ए है और इसके साथ मान लीजिए 20 और लोग हैं, तो ए को बुलाता था, इन तीनों लाइन में से पूछता था कि मान लो ये लाइन है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जी, ये 3 लाइन है। अब इसमें ये पूछता है कि भाई ये बताओ कि कौन सी लाइन सबसे बड़ी है, और इसके आंसर देने से पहले ही क्राउड से पूछ लेता है कि भीड़ आपको क्या लगती है कौन सी लाइन सबसे बड़ी है, तो भीड़ ने चिल्लाया अरे वाई लाइन सबसे बड़ी है। अभी ए को क्या लगता है, ए को लगा कि मान लीजिए एक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं या एक ऐसे कर देते हैं इतना, तो अभी ए जो था वो कन्फ्यूज़न में था कि वाई और जी में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसको टेंशन नहीं क्योंकि क्राउड जो है उसका, सोसाइटी जो है वो बोल रही है कि भाई वाई सबसे बड़ा लाइन है, तो बिना सोचे समझे वो वाई को ही सपोर्ट करता है। केबीसी देखते होंगे आप लोग, केबीसी में वही होता है, बस इसका अगला वाला है, नॉर्मेटिव नहीं है, जो इसके बाद में बताने जा रहा हूँ वो केबीसी से रिलेट कर सकते हैं आप। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इसमें क्या होता है कि जो भी क्राउड है उसके साथ इंसान हमेशा जाना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि क्राउड उससे ज़्यादा जानता है किसी भी सिचुएशन में। तो स्पेशली जब भी कोई एम्बिगुअस सिचुएशन होता है, या तो ऐसा टाइम आता है जबकि हमको बिल्कुल क्लियर आइडिया या थॉट नहीं मिलता हमारे दिमाग में, या इतना समय नहीं मिल पाता कि हम उसके सोल्यूशन खोज पाएँ, तो क्या होता है कि हम फटाफट भीड़ के साथ चले जाते हैं कि भीड़ जो कर रहा होगा वो तो हमसे ज़्यादा ही जानता है, वो अगर कुछ काम कर रहा है तो सही कर रहा है, तो उसी में हम भी चले जाते हैं। जैसे कि अगर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे तुरंत ही एक अनाउंसमेंट होता है कि बॉम्ब रखा गया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्राउड जो है वो अपने आप अलाइंड हो जाती है कि वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में भागती है। एक इन्फॉर्म्ड क्राउड की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि बॉम्ब बोला गया और सब अफरा तफरी में किधर भी भाग रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मान लीजिए जब भी क्राउड की बात होगी तो वो क्राउड जो भी है किसी भी सिचुएशन में वो एकजुट होकर हमेशा काम करती है, ऐसा हमारा सोशल फिलॉसफी बोलता है। साइकोलॉजिकली माइंड जो है ना उनका इस हिसाब से ट्रेंड होता है कि पूरा का पूरा क्राउड एक साथ कंबाइन हो जाता है और किसी भी काम को अंजाम देता है, और ये हमेशा ऐसा होता है जब भी ट्रांजिशन पीरियड होता रहता है। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये पूरी एक थ्योरी है कि ट्रांजिशन पीरियड में इंसान को पता नहीं होता कि उसके करना क्या है, क्योंकि अभी तक उस ट्रांजिशन पीरियड में हम कभी अपनी ज़िंदगी जिए नहीं होते हैं, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता हम मतलब सिखाया गया, अभी पढ़ाया गया जो भी काम है वो उस टाइम कुछ भी काम नहीं आता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि अभी तक जितना भी हमने अपने लाइफ से सीखा है उससे तो कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, कोई एक्शन हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पर हमें
नॉर्मलेसनेस, नॉर्मलेसनेस, नॉर्मलेसनेस की फीलिंग आती है। इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये एक ऐसी फीलिंग है नॉर्मलेसनेस की, जब हमारे नॉर्म्स जो भी हमें सिखाए गए हैं उनके बेसिस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो क्राउड का ऐसे ही कुछ फंडा है कि जब क्राउड को समझ नहीं आता तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करती है, उसी से रिलेटेड ये पूरी बात कही गई है। तो स्पेशली एम्बिगुअस सिचुएशन में जब भी पता नहीं चल पाता है कि क्लियर आइडिया नहीं है हमारे पास कि हमें करना क्या है, तो उस केस में ये इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस काम करता है और क्राउड के रेस्पेक्ट में हम बिहेव करते हैं, अपने एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। दो स्पेशल टाइप ऑफ सिचुएशन है जबकि ये इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो सामने आता है। पहला एम्बिगुअस सिचुएशन जो कि हमने बताया कि जब लोगों को पता नहीं होता कि उनको करना क्या है, और दूसरा क्राइसिस सिचुएशन जबकि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो सोच पाएँ कि उनको क्या करना है। ये दोनों सिचुएशन आप KBC के ऑडियंस पोल से कंपेयर करके देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस वहाँ पर जो ऑप्शन डाला गया है ना वो इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस से ही सीखा गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। 6 प्रिंसिपल हैं टोटल, और 6 प्रिंसिपल आप अपने डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस भी करते होंगे। पहला जो है वो है रेसिप्रोसिटी का। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी बोलता है कि हम जो भी करते हैं किसी के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वापस भी वैसे ही मिले, या फिर उसका उल्टा भी कि लोग क्या करते हैं जो भी एक चीज़ उनको एक्सेप्टेंस मिलती है ना सोसाइटी से उसको वो लोग चाहते हैं कि आगे स्प्रेड करें, आगे पास करते हैं, वो भी सेम बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि स्माइल अगेंस्ट स्माइल, आप भीड़ में जा रहे हो बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके सामने से एक बाइक वाला आता है रॉन्ग रोड से क्रॉस करते हुए आपके बिल्कुल सामने, आप इधर हो, आप इधर जा रहे थे और वो इधर डायरेक्शन में आ रहा था। अब आप भिड़ने ही वाले थे तब से, और भिड़ने वाले थे और सामने वाला थोड़ा दबंग टाइप का इंसान था, अभी पता चलता है लड़ाई तो होनी तय थी लेकिन आपने बिना मुंह बनाए बस एक स्माइल पास कर दिया। सामने वाला बंदा क्या करेगा, वो भी स्माइल पास करेगा और वो इधर चला जाएगा और आप ऐसे निकल जाओगे। तो ये क्या है, ये रेसिप्रोसिटी का फंडा है कि हम लोग मतलब वैसा ही काम करते हैं जैसा उनको उनकी सोसाइटी से मिलता है या सामने वाले से जो भी परसीव करते हैं वो। तो ऐसे भी एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है हमारा और सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू ही हम इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। दूसरा जो लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, कि लोगों की इच्छा होती है कि हम जिस दिशा में सोचते हुए आ रहे हैं, जिस दिशा में हम काम करते हुए आ रहे हैं वो कॉन्टीन्यूअसली बना हो। जो भी उनका एक्शन है, ओपिनियन है, असर्शन है किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, वो बिल्कुल वैसे ही बना रहा है जैसा कि पहले बना हुआ था अगर वो सब कुछ सही चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हम हमेशा जो है कमिटमेंट की ओर भागते हैं कि हमने अभी तक जितना भी अपने लाइफ से कमिट किया है, मतलब जिस सिचुएशन में हमने जो कमिटमेंट किया है कि हम ऐसा काम करेंगे, तो वही आइडिया ऑफ कमिटमेंट हर बार हमारे सामने आता है और इसीलिए हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं अपने एटीट्यूड में। सोशल प्रूफ की बात करें तो लोग हमेशा इस बात पर डिसाइड करते हैं कि मतलब कि अगर कुछ भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में एटीट्यूड इस हिसाब से डिफाइन करते हैं कि जो भी उनके लिए फैमिलियर हो या सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हो, ऐसा कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये ज़्यादा इन्फ्लुएंसियल होता है जबकि लोग जो है अनसर्टेन हो, और उनको इन्फ्लुएंस करना भी थोड़ा आसान होता है कि मान लीजिए लोग अनसर्टेन है किसी भी टॉपिक के लिए, उनको पता नहीं कि क्या करना है, तो आप उनको ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और आप सोशल प्रूफ का मतलब ये है कि आप मतलब ये हमेशा डिसाइड कर सकते हो कि हम जिस बारे में सोच रहे हैं अगर बाकी लोगों का भी सेम थॉट है तो उसके हिसाब से भी हम अपने डिसीजंस को बेस कर सकते हैं और उसमें सही होगी चीज़ें। जैसे कि हम अभी ऊपर वाला बात कर रहे थे ना रेसिप्रोसिटी, सॉरी हम इसमें भी क्या इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, तो इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस काइंड ऑफ थिंग है कि जो भी लोग करते रहते हैं सिमिलर चीज़ें उसी में हम समझते हैं कि वो सही है और उसी रेस्पेक्ट में हमें एटीट्यूड डेवलप करना है अपना। चौथा है लॉ ऑफ लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब है कि अगर हम कोई बहुत इन्फ्लुएंसिव पर्सन से मिल रहे हैं तो वो जो भी समझाना चाहता है उससे हम बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम ऐसा इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मान लीजिए फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस है उसकी, कि वो फिज़िकली इतना अट्रैक्टिव है कि वो जो भी कुछ करता है, वो जो भी कुछ कहता है, वो हम उसको बस मान लेते हैं। इसीलिए यही रीज़न है कि एडवर्टीज़मेंट में हमारे लिए एक्टर्स आते हैं या एक्ट्रेसेस आती हैं जो कि हमें इस बात से इन्फ्लुएंस कराती हैं कि अगर हमें उनके जैसा बनना है तो हमको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा,
अगर हमें उनके जैसा बनना है तो हमें ये परफ्यूम लगाना पड़ेगा। तो ये जो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस वाली बात है ना, ये हम बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस करते हैं और इस बात को मार्केटिंग कंपनी वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इसका यूज़ करते हैं ताकि हम बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाएं इन सारी चीज़ों से। फिर दूसरी बात आती है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी से भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस किया सकता है। नॉर्मली आप फेयर एंड लवली का प्रचार देख लो, तो फेयर एंड लवली के एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि एक बहुत ही सांवली टाइप की लड़की होती है जो कि हमारे सोसाइटी में इसको सही नहीं माना गया है। मतलब कलर कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे लोग को डिफरेंशिएट किया जाता है, हायरार्की में सेपरेट किया जाता है कि जो गोरे लोग होते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, जो सांवले लोग होते हैं ये थोड़े इन्फीरियर होते हैं। और यह देन है हमारे ब्रिटिशर्स की, उनके आने से पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। तो या तो आप बिल्कुल ट्रेस करते जाओ तो आर्यन तक पहुँच जाओगे, वो बात अलग है, वो अलग डिस्कशन का मामला है। फिलहाल ये है कि फेयर एंड लवली में हमें क्या एक सांवली सी लड़की दिखती है, तो जितनी भी सांवली लड़कियाँ उससे बिल्कुल तुरंत से रिलेट करती हैं कि हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारा सांवलापन। उसमें प्रचार भी कितने बेतुकी से दिखाता है कि वो अपने लाइफ के सक्सेस को भी गोरा होने से पा लेती हैं। ठीक है, वो अलग लेवल का कॉमेडी है, लेकिन उस पे नहीं जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सिमिलैरिटी हमें कैसे किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। हमसे सिमिलर जो भी चीज़ें होंगी ना, उसके लिए हम तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, हमारे एटीट्यूड बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं और हम वैसे ही एक्सपीरियंस करते हैं और वैसे ही एटीट्यूड बिहेवियर शो भी करते हैं। फिर प्रेज या कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएशन, जिस हिसाब से भी हम उसको अपने साथ एसोसिएट करके देख सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। पांचवा जो है वो लॉ ऑफ अथॉरिटी। ये तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि अगर किसी अथॉरिटी ने, ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या ऑथराइज्ड बॉडी ने अपना इन्फ्लुएंशियल पावर यूज़ करके किसी चीज़ को बोल दिया करने को, तो वो अनडिनाइबल होगा कि भाई उसको डिनाई तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास उसके पास अथॉरिटी है इस चीज़ की कि वो इम्प्लीमेंट करा सकता है। तो ये तो हो गया कि जैसे कोई लॉ बनता है, तो अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया है तो अब उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉ को बनाएगा, तो उसके अगेंस्ट हमें अपने एटीट्यूड को बेस करना ही पड़ेगा। सबसे बेसिक फॉर्म अगर देखें तो सबसे बढ़िया है पेरेंटल अथॉरिटी, कि भाई जो भी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं उनके अगेंस्ट में जाके हम कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी अथॉरिटी है कि वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे फीलिंग, हमारे एक्सप्रेशन, हमारे बिलीव्स के ऊपर कंट्रोल रहता है उनका। तो इसीलिए वो जो भी बोलते हैं वो हम उनको उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो काम कर सकते हैं। फिर होता है लॉ ऑफ स्कार्सिटी। सबसे आखिरी लॉ ऑफ स्कार्सिटी बोलता है कि जो भी आइटम्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है ना, वो सबसे लेस एक्सेसिबल होती हैं। या तो इसका उल्टा बोल दें कि जो सबसे कम एक्सेसिबल होती है ना, वो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सेंसर्ड नाम से जिस मूवी के आगे सेंसर्ड लग गया, वो मूवी तो पक्का से देखना ही देखना है। या तो जो भी परफ्यूम के नाम के आगे लिमिटेड एडिशन लग गया, वो परफ्यूम तो खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि ये तो लिमिटेड एडिशन है। कोई कार, कोई बाइक, जिसका भी लिमिटेड एडिशन आता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और उसको हम लोग लेने की सोचते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें कम एक्सेसिबल होती हैं वो डिज़ायरेबल होती हैं। ये एक ऐसा लेवल है जो कि अटेनेबल होता है, मतलब कि यूनिक होता है ना अपने आप में, कि आपने अगर किसी लिमिटेड एडिशन का परफ्यूम ख़रीद दिया तो आप यूनिक हो गए और किसी के पास नहीं है वो, आपके दोस्तों के पास नहीं है, आपके पीयर ग्रुप के पास नहीं, केवल आपके पास है। ये आपको यूनिक बनाती है और इसीलिए इसका इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है। आप अपने एग्ज़ाम को भी इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि बीइंग एन आईएएस, कि आप अगर आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं या फिर एसडीएम बन जाते हैं, एसडीएम की पोस्ट पर आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल यूनिक हो जाएंगे अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में। उस पोजीशन पे और कोई नहीं होगा, केवल आप होंगे। तो इस यूनिक पोजीशन को पाने के लिए आप इस पोस्ट से बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कि आपको लगता है कि बस इसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, यही हमारी नैया पार कराएगा, और जैसे ही मैं एसडीएम बन जाऊँगी तो सारा भौकाल बिल्कुल बिल्कुल सही होगा और फिर जो भी मेरा सपना है सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसा जो यूनिक पोजीशन आपको अचीव करने का ड्रीम है, ये ऐसे ही इन्फ्लुएंस के कारण आता है। और ये इन्फ्लुएंस आपको पता होना चाहिए कि ये कंसिडरेबली क्रिएट किया जाता है, क्योंकि आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि जिस हिसाब से यूपीएससी एग्ज़ाम को ले लें, तो यूपीएससी एग्ज़ाम में कितनी सीट्स हैं इस बार नियर अबाउट 900 सीट्स हैं, कुछ एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, 900 सीट है। अगर आप किसी भी रिपोर्ट को उठा के देख लो, तो क्या केवल 900 आईएएस ऑफिसर्स की या फिर 900 सिविल सर्वेंट की ज़रूरत है हमारे देश में? अरे मोर देन 6000 ज़रूरत है। तो
अब इसको कौन पूरा कर रहा है? केवल 900 लोग पूरा कर रहे हैं। ये कंसिडरेबली या बिल्कुल जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन बनी रहे। अगर ये लिमिटेड एडिशन में होगा तो क्या होगा कि लोग इसके लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे और जो लोग ऑलरेडी इस पोजीशन पे हैं उनका वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो इन्हीं के अंदर होता है कि कितना पोस्ट निकालना है, कितना पोस्ट नहीं निकालना है। तो ये अपने पोजीशन को और ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव बनाने के लिए ये जो पोस्ट्स हैं उनकी सीट्स डिज़ायरेबली कम कर देते हैं, कंसिडरेबली कम करते हैं। तो ये एक बात होती है, ये भी आप एग्ज़ाम्पल में तो कोट नहीं कर पाओगे कभी अपने पेपर में, लेकिन फिर भी जानते रहो आप कम से कम। बात करते हैं पर्सुएशन की। पर्सुएशन क्या होता है? पर्सुएशन एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हम किसी भी लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं और उस पर कुछ साइंटिफिक स्टडी भी कंडक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट है, हु सेज़ व्हाट टू होम, तो ये सब कुछ डिफाइन करने वाला है पर्सुएशन का। हु मतलब द सोर्स ऑफ मैसेज, कि वो मैसेज कहाँ से आ रहा है, कौन बोल रहा है, सेज़ व्हाट, क्या उसने मैसेज दिया किसी को, टू होम जो भी ऑडियंस है जिसको वो, जिसके एटीट्यूड में वो चेंजेस लाना चाहता है। तो कौन से सोर्स ऑफ मैसेज से या फिर कौन से मैसेज से वो किस ऑडियंस को उनके एटीट्यूड चेंज करने की बात करता है, ये सब कुछ अगर पता चल जाए हमको तो हम पर्सुएशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं या तो हम एक ट्रेंड और पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जिससे कि हम पर्सुएशन के इफ़ेक्टिवनेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, पहला क्रेडिबिलिटी और दूसरा लाइकेबिलिटी। देखो, किसी से भी अगर आपको अपने एटीट्यूड को चेंज कराना है तो उसके अंदर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर सिंपल भाषा में अगर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोले तो उसकी औकात होनी चाहिए कि वो हमारे एटीट्यूड को चेंज कर दे। दूसरा लाइकेबिलिटी, लाइकेबिलिटी मतलब वो हमें इतना पसंद होना चाहिए ना कि वो जो बोले हम लोग चुपचाप से उस बात को सुन लें। तो ये दो चीज़ों के बेसिस पे हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट ऑफ पर्सुएशन, कैसे पर्सुएशन, कैसे उसको बनता कैसे है? तो उसके लिए बेसिकली तीन वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला कि सोर्स ऑफ पर्सुएशन क्या है, दूसरा मैसेज क्या दे रहा है वो, और तीसरा कौन ऑडियंस है, किसको पर्सुएड करना है उसको। सबसे पहले अगर बात करें सोर्स क्रेडिबिलिटी की, तो सोर्स जो है भाई वो तो क्रेडिबल होना चाहिए। जिस भी हिसाब से हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो हम तो यही बोलते हैं कि जो भी सोर्स हो या तो वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू आता हो या तो ट्रस्टवर्दी हो। अगर ट्रस्टवर्दी सोर्स है तो भी हम उससे जल्दी पर्सुएड होंगे, और अगर कोई एक्सपर्ट किसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके लिए भी क्रेडिबल होंगे। अब जैसे यहाँ पे एक बात करूँ मैं कि आपको एक टूथपेस्ट ख़रीदना था, तो टूथपेस्ट ख़रीदने के लिए आप मार्केट जाते हैं तो आप किससे ओपिनियन लेना पसंद करेंगे? आपके घर में कोई काम करने वाला इंसान होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला होगा जो कि इतना वेल एजुकेटेड नहीं है, आप उसके बेसिस पे टूथपेस्ट सिलेक्शन को बेस्ड कर सकते हैं, या तो आपके पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर से जो कि एक डेंटिस्ट हैं। तो डेंटिस्ट कौन है? डेंटिस्ट एक एक्सपर्ट हैं जो कि ये सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप किसकी बात सुनोगे? ऑब्वियसली बात है, डेंटिस्ट की बात सुनोगे। आपके घर में जो भी झाड़ू पोछा लगा रहा होगा उसको कितना ही पता होगा कि कौन सा टूथपेस्ट बेटर है, कौन सा घटिया है, कौन सा अच्छा है। तो ये क्रेडिबिलिटी जो है सोर्स का, एक्सपर्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए कि हम किसी भी साइट से कुछ भी पढ़ के, जैसे अभी कोई आपके पास फेसबुक से कोई मैसेज आ रहा है या व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड कर दिया मैसेज, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है? आपको पता है कि ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी ट्रस्टवर्दीनेस बिल्कुल भी है ही नहीं, मतलब इनके सोर्सेज में हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ हमारे अंदर या फिर हमारे सोसाइटी में भेजते हैं। तो ये बात होती है। फिर सोर्स लाइकेबिलिटी की बात करते हैं, एक तो क्रेडिबिलिटी, एक लाइकेबिलिटी, मैंने दोनों चीज़ें बताई थी। तो सोर्स का लाइकेबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लाइकेबल किस फॉर्म में होना चाहिए? या तो वो सिमिलर होना चाहिए कि जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन से सिमिलर हो, या तो जैसा हमारा अपीयरेंस है उस अपीयरेंस से सिमिलर हो, या तो अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस या इंटेलिजेंस कुछ भी उसका ऐसा हो जिससे कि हम बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएं और वो जो भी समझाना चाहता है, पर्सुएट करना चाहता है, उससे हम अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर लें। कुछ बातें होती हैं जिसको हम हमेशा पर्सुएशन को रेसिस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे चार तरीके हैं। पहला तरीका है, उसको बोलते हैं हम लोग एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। ये क्या होता है एटीट्यूड इनोक्यूलेशन? मतलब कि जो भी लोग हैं वो, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि काउंटर आर्गूमेंट करते हैं। तो काउंटर आर्गूमेंट मतलब आपने उनको कुछ समझाने के लिए कोशिश की तो वो पहले उल्टा आपसे चार सवाल पूछते हैं कि अच्छा आपने मुझे ये समझा दिया, ठीक है ठीक है, अब आप कितना फॉलो करते हो उसको, ठीक है अब अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो काउंटर आर्गूमेंट करते हैं।
इससे क्या होगा ना कि आप उन अपने परसुएशन को बचा सकते हो, आप एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा दोगे कि अब सामने वाला भी थोड़ा परेशान रहेगा कि यार अभी तो मैं इसको समझाने आया था, उल्टा मुझे को समझा दे रहा है, ये तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं तो फॉलो थोड़ी ना करता था, मैं तो इसको ऐसे ही बोल रहा था कि भाई ऑनेस्ट हो जाओ ऑनेस्ट हो जाओ, मैं कौन सा ऑनेस्ट हूँ। तो ये क्या होता है कि आप उसको परसुएड नहीं कर पाओगे, आपने परसुएशन को रेसिस्ट कर दिया। दूसरी बात होती है फॉरवार्न की, इसमें क्या होता है कि लोग जो भी हैं हमेशा ट्राई करते हैं कि जो भी इंसान उसको परसुएड करने आ रहा है वो अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस या तो जो भी उनके साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस हैं उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो उन अटेम्प्ट्स को रेसिस्ट कर दे। मतलब कि ऑलरेडी उसको पता है कि यार ये जो बंदा आया है ना ये मुझे परसुएड करने की चाह में है, तो अभी लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला हूँ। और साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस आपका पहले ही बन चुका है कि आप सामने वाले इंसान को जो कि आपको मतलब जानबूझ के परसुएड करने के लिए आया है उससे आप कभी भी परसुएड हो गए ही नहीं, तो आप अगर साइकोलॉजिकली अपने अंदर रेसिस्टेंस बना लेते हो तो आप जल्दी परसुएड नहीं होगे। एक होता है बूमरैंग इफेक्ट। बूमरैंग इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो भी आपको परसुएड करने के लिए आया है, जो भी बात वो आपको समझाना चाहता है, आप उसका जस्ट उल्टा करते हो, इसी को हम लोग निगेटिव एटीट्यूड भी बोलते हैं। तीसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल में क्या है कि एक जो भी एक पर्सन है उसका कुछ भी फिज़िकल कॉग्निटिव या सोशल रिसोर्सेस है जो कि हमेशा तैयार है कि हम नहीं होंगे परसुएड, हम हमेशा उसको रेसिस्ट करेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एक जो भी एक वेल रेड पर्सन होता है, एक रेड पर्सन होता है उस वो हमेशा ऐसी चीज़ों को रेसिस्ट कर पाता है। क्या होता है कि स्टॉक पाइल का क्या मतलब है कि एक पर्सन है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी फिज़िकल कॉग्निटिव और सोशल रिसोर्सेज हैं जिसके बेसिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रखी हुई हैं, आपके पास स्टॉक पाइल हैं। अब उसके बेसिस पे अगर आपको कोई परसुएड करना चाहता है तो आप परसुएड थोड़ी ना हो पाओगे उस मतलब परसुएड कर ही नहीं पाएगा आपको उतनी जल्दी। वो मान लीजिए वो आपसे बात कर रहा है कि आज की ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत एडवांस है और जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी थी उसमें ये प्रॉब्लम्स थे जो कि अब इसने सही कर दिया है। आपको ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, आपके पास स्टॉक पाइल है उन इन्फॉर्मेशन का, एग्जैक्टली आपको पता है कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और उसमें भी क्या कमियाँ हैं, आपको सब कुछ पता है। तो आप उसके द्वारा समझाए गए जो नए वाले गैजेट्स हैं उनको खरीदने के कभी भी सोचोगे? आपको तो पता है ना, आप टेक्निकली साउंड हो उसके लिए कि आपको ऑलरेडी पता है कि इस वाली टेक्नोलॉजी में ये फॉल्ट्स हैं, तो आप उससे परसुएड नहीं होगे। मतलब क्या है कि हमारा फिज़िकल या कॉग्निटिव या सोशल रिसोर्सेज इतना स्ट्रांग हो जाए जिसके बूते पे हम ये बोल सकें कि आप अगर मुझे परसुएड करना चाहते हो तो मैं अभी आपसे ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ और कुछ मतलब नहीं है समझाने का, मैं सेल्फ कैपेबल हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात होगी स्टॉक पाइलिंग में। फिर आखिरी आता है डिफेंस अगेंस्ट इन्फ्लुएंस टेक्निक्स। मान लीजिए कुछ टेक्निक ऐसी है सोशल इन्फ्लुएंस वाली, ये उसी से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि लोग हमेशा कुछ परसीव करते हैं कि जो भी नॉर्मली लोग करते रहते हैं, मतलब जो भी सोसाइटी से रिलेटेड होता है, उसको वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी ऐसा होगा, एक मिनट, इसका मतलब ये है कहने का कि आपको पता है कि कोई इंसान आपको परसुएड करने आया है और वो कुछ ट्रिक्स यूज़ कर रहा है आपको परसुएड करने का, लेकिन आप अपने सोसाइटी से इतना स्ट्रांगली रिलेटेड हो कि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए आप अपने सोसाइटी से ज़्यादा कनेक्ट होते हुए उस परसुएशन को रेसिस्ट कर सकते हो। तो ये तो बात की हमने अभी अपने सेकेंड यूनिट के सारे टॉपिक्स की, जो कि मोटा मोटा तौर पर सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमने जितनी भी हमें नॉलेज चाहिए ना हमारे एग्ज़ाम के लिए, मोर और लेस उतनी नॉलेज हमने एक्वायर कर ली है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कहीं से भी ज़रूरत तो नहीं है फ़िलहाल। तो अब बात करते हैं हम एक तो केस स्टडी की और दूसरा सिविल सर्वेंट के लाइफ की। तो पहले क्या पढ़ें, पहले सिविल सर्वेंट की लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश चौधरी की, ओपी चौधरी। ओपी चौधरी जो हैं ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और ये 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनका जो भी कैडर है वो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का है। वहाँ पे आपको पता होगा कि नक्सलीज जो हैं वो बहुत ही
ज़्यादा संख्या में हैं और नेक्सलाइट मूवमेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई हैं, और प्लस इन सबसे क्या होता है कि वहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब बहुत कम है। तो उसके रेस्पेक्ट में श्री ओम प्रकाश चौधरी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। इनको 2011 में सिविल सर्वेंट प्राइज भी मिला है, सिविल सर्विसेज प्राइज से भी सम्मानित किए गए हैं। तो हमें उस टाइम पे जब ये इन्होंने दंतेवाड़ा और बस्तर, साउथ बस्तर में जब इन्होंने स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, तो इनको पता चला कि वहाँ पे नक्सलिज्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत ही वायलेंट फॉर्म ले चुके हैं, और इसका कॉन्सिक्वेंस ऐसा है कि जो भी लिटरेसी रेट है वो गिर के कहाँ पर आ गया, 33% पर आ गया है। तो 33% पर पहुँच गया है, तो अब जो भी फ्यूचर जनरेशन होगा इनका बहुत बड़ा मतलब ये सोचना था कि अभी बहुत बड़ा जो डिसीज़न हमें लेना है वो इस बात पे लेना है कि अगर 33% केवल लिटरेसी रेट है तो फ्यूचर में आने वाला जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो भी बड़ा हो रहा है अभी, अभी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो वो ऐसी मर्डर वाली आइडियोलॉजी से अगर दूर रहा तो क्या होगा कि ये वाली सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रिफॉर्म हो जाएगी। तो इसी रिफॉर्म मूवमेंट के लिए इन्होंने कुछ प्लानिंग स्टार्ट की। सबसे पहले इन्होंने रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट किया। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री जो थी उसके, उन्होंने क्या किया कि 500 सीटर रेजिडेंशियल कैंपस क्रिएट किया जो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे, मतलब उन बच्चों के लिए जो कि स्कूल नहीं जाते थे उनके लिए 500 सीटर हॉस्टल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। और इन्होंने वो सभी कम्युनिटी जहाँ पे स्कूल वगैरह बंद थे उनको फिर से स्टार्ट किया, और साथ ही साथ जितने भी पंचायत्स वगैरह थे उनका भी असेसमेंट स्टार्ट किया कि कौन कौन से प्लेसेस पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हो गए हैं वहाँ से फिर चलाया जाए, और कौन कौन से ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट द्वारा उनको गिरा दिया गया है या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ये सारे डेटा उन्होंने गैदर करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया कि जो भी उस ग्रुप के एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको स्टार्ट किया कि वो बाकी लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तो इनको उन्होंने बोला अनुदेशक। तो ये जो अनुदेशक होते थे ये पूरे इस सिटी में, इस गांव में सॉरी, जा जा के सबको समझाते थे कि भाई देखो एजुकेशन का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। तो ऐसी बातें सब उनको अच्छी अच्छी बातें बताने स्टार्ट कर दिया गया, और नेशनल बैम्बू मिशन के अंदर भी बहुत सारा जो भी परमानेंट स्ट्रक्चर जहाँ पर नहीं बन पाता था तो वहाँ पर उन्होंने प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना दिए जिनकी वजह से उनका भी रहना, रहन सहन, ये सारी चीज़ें पता चल पाई। कुछ ऐसे जंक्शंस को उन्होंने पहचाना अपने सर्वे में जहाँ से स्कूल वगैरह जाना बहुत मुश्किल था, तो उस पर्टिकुलर जंक्शन पे उन्होंने स्कूल और हॉस्टल की फैसिलिटी देना स्टार्ट किया। बहुत सारे उन्होंने इनिशिएटिव चलाए, सबसे पहला इनिशिएटिव था उनका तमन्ना। तमन्ना स्कीम के अंदर में उन्होंने किया कि एक साइंस म्यूजियम खोला, एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी खोली और ऑडियो विजुअल थिएटर भी खोला, और ये सब कुछ एक महीने के अंदर बनाया था उन लोगों ने, और ये जो भी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहाँ पर ये तीनों चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करा दी। फिर RTE को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की बात की कि अभी तक क्या होता था कि जो भी RTE के अंदर 25% इनरोलमेंट जो है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो ऐसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए होता था, वो यहाँ पर बहुत कम होता था, हार्डली कहीं पर भी होता है वैसे ही। तो यहाँ पर बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट किया गया RTE को, और जितने भी बच्चे वहाँ पर पढ़ सकते थे प्राइवेट स्कूल्स में भी उनको भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिर हाई स्कूल एजुकेशन की बात की गई, हाई स्कूल एजुकेशन में देखा गया कि 38,000 में से जो कि 8 तक पढ़ते हैं उसमें से मात्र 5,000 के नियर अबाउट ही अपने 10th और 12th या 9th से 12th तक की पढ़ाई कर पाते हैं, तो ये बहुत शॉकिंग था। तो यहाँ पर इन्होंने वही इंपॉर्टेंट जंक्शंस को क्रिएट किया जहाँ पर ऐसे ड्रॉपआउट्स देखने को मिलते थे, और वहाँ पर इन्होंने फिर हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ डेवलप की। एक इनका और इनिशिएटिव था छू लो आसमान। छू लो आसमान के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि जो भी साइंस बैकग्राउंड के लोग थे जो कि साइंस एजुकेशन 11th और 12th में साइंस से पढ़ते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ का जुगाड़ इन्होंने हर स्कूल में करना स्टार्ट किया। एक इनका जो सपना था कि ये इसी दंतेवाड़ा को एजुकेशन सिटी के नाम से बनाना चाहते हैं आगे, तो एजुकेशन सिटी में बहुत सारे क्या बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने, और 97 एकड़ टाउनशिप में से लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे पूरा रेजिडेंशियल और क्लासरूम जैसे एजुकेशनल फैसिलिटी सब पूरी डेवलप की गई इस एजुकेशन सिटी के अंदर।
स्किल एजुकेशन की भी बात की गई कि बहुत सारे लोग थे जो कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद लाइवलीहुड अर्न करना चाहते थे, तो उनके लिए भी पर्टिकुलर उनके काइंड ऑफ जॉब को प्रमोट किया गया। तो जो भी आउटपुट है, इसका आउटकम है, वो इतना सही निकला ना कि कुछ ही दिनों में देखा गया कि वहाँ का जो भी लिटरेसी रेट था वो बहुत सही हो गया। और सिस्टम में जो फेथ होता है ना कि जो भी सरकार हमारे लिए कर रही है, नक्सलाइट्स में बहुत कमी होती है कि सिस्टम जो है वो हमेशा उनके अगेंस्ट काम करती है, तो वहाँ पर ये बहुत ही फेथफुल सिस्टम उन्होंने डेवलप किया और सरकार के प्रति जो उनकी जवाबदेही बनी जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे, वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिया। जो भी इनरोलमेंट था जो कि कम हो रहा था लगातार, उसमें बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला। पासिंग का परसेंटेज जितना था पहले वो बहुत कम था, वो भी बढ़िया था। एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम देखना स्टार्ट किया। और जो भी एट्थ के बाद नाइन्थ में बच्चे दाखिला लेते थे, वो ड्रॉप आउट्स की भी बहुत हद तक कमी आई, मतलब कि वो ड्रॉप आउट्स अब नहीं होते हैं। वीमेन एजुकेशन पे ज़्यादा कुछ एम्फोसाइज किया गया था, तो वीमेन एजुकेशन के रेस्पेक्ट में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो जो भी बेनिफिशरीज थे वो बिल्कुल साफ तरीके से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इम्प्रूवमेंट देख सकते थे कुछ सालों में ही। तो ये हैं हमारे श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव चलाए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब बात करते हैं हम अपने केस स्टडी की। केस स्टडी में आज का जो केस स्टडी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। केस स्टडी कुछ ऐसा है कि आपको बनना है डिविजनल इंजीनियर डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज़ में, और इंडियन रेलवेज़ में डिपार्टमेंट ऑफ सिग्नल्स में बेसिकली। तो सिग्नल के डिपार्टमेंट में आपको डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट पे आप कार्यरत हैं। अब क्या होता है कि बहुत ही जल्द जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट होती है, उसके एक दो साल के अंदर ही आपको एक बड़ी न्यूज़ समझ में आती है कि मतलब सामने आती है तुरंत कि दो ट्रेन जो है वो आपस में टकरा गई हैं। और इस मीडिया वाले क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कमियाँ थी, सही से ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि दो ट्रेन्स जो हैं वो एक ही पटरी पर आ गईं, और जिसके वजह से ये कोलिजन हुआ है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। बहुत सारे लोग मतलब वो 50 प्लस के नियर अबाउट बता रहे थे, तो इतने लोग की डेथ हो गई। अब क्या हुआ कि जो भी रेलवे डिपार्टमेंट है उसने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया ये देखने के लिए कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पर हुई थी। और इसके लिए आप जब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट पर थे तो आपको इसीलिए उसका हेड बना दिया गया उस कमीशन का, कि जो भी नया कमीशन गठित हुआ है इस पूरे केस की जांच पड़ताल करने के लिए आपको बताना है कि कौन विक्टिम है उसका, कौन किसकी गलती से ऐसा हुआ है। तो आपने खोजबीन चालू की और कुछ दिन में आपको पता चल गया कि भाई जो गलती है ये वहाँ का स्टेशन मास्टर है बबलू, उसी की देन है। क्या हुआ कि उसकी ड्यूटी थी लेकिन वो ड्यूटी पे टाइम पे अपने था नहीं और वो कहीं बाहर अपने पर्सनल काम के लिए चला गया था, जिसके वजह से ये दुर्घटना घट गई। अभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, अब प्रॉब्लम यहाँ से आती है। अब प्रॉब्लम ये आई कि आपको पता चल गया कि बबलू जो है वो सबसे ख़तरनाक शातिर इंसान है, इस पूरे मौतों का जिम्मेदार किसके ऊपर जाता है, बबलू के ऊपर जाता है। लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपका एक जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर मतलब जो आपसे ऊपर है, आप क्या हो, डिविजनल इंजीनियर हो। और एक बात ये भी था कि जो भी जनरल मैनेजर है वो आपके जोन का है और वो बबलू का रिश्तेदार निकला। अब वो जो है वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि देखो पता तो है मुझे भी कि बबलू की छेड़खानी है ये सब, लेकिन बबलू को पकड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल जाने देना है और उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्टिंग होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम हेड हो तो बबलू का नाम सामने नहीं आना चाहिए। ऐसा प्रेशर आपके जनरल मैनेजर ने डाल दिया आपके ऊपर। अब आप परेशान हो, अब बताओ, अब क्वेश्चन आता है कि आप क्या रिएक्शन दोगे और क्या एक एमिकेबल सॉल्यूशन है जिसको आप बता सकते हो कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप कैसे इस पर अप्रोच करोगे। सबसे पहले कि आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखो इसमें यही है कि सीधी सीधी बात है कि एथिकल डायलेमा है। सॉरी एक चीज़ मैंने नहीं बताई क्वेश्चन में, आपका जो भी प्रमोशन है ना वो बहुत जल्दी, जो आप डिविजनल इंजीनियर हो उसके चलते आप डिविजनल रेलवे मैनेजर बन जाओगे, DRM जिसको बोलते हैं। तो आप DRM की पोस्ट पे बहुत जल्दी अगले महीने ही अपॉइंट होने वाले हो। तो और इसका अपॉइंटमेंट करेगा कौन, वो करेगा आपका जनरल मैनेजर, जिस जो बबलू का रिश्तेदार है। तो वो बोल रहा है कि बबलू के फेवर में दे दो, हम तुमको DRM तो बना ही देंगे वैसे ही,
फिर बात आती है इसकी भी कि अगले ही महीने आपका अपॉइंटमेंट है और रेलवे अथॉरिटी की तरफ से आपको डेडलाइन जो दिया गया है कि सबमिशन का, इस रिपोर्ट को सबमिट करने का, वो भी बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आ रहा है और बहुत जल्दी आपको डिसीजन सुनाना है। तो अब ये पूरी तरीके से क्वेश्चन ख़त्म हुआ, अब आंसर की तरफ चलते हैं कि अब देखो आपको एथिकल डायलेमा जो मिलता है वो क्या मिलता है कि एक तरफ तो आपकी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आती है कि भाई जो भी हम जॉब करते हैं उससे कभी भी भटकेंगे नहीं, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको दी गई है उसको बिल्कुल फुल्ली ऑनेस्ट और इंटीग्रेशन के साथ हम उस काम को करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपका प्रमोशन आता है, प्रमोशन रुक जाएगा अगर आपने बबलू के फेवर में रिपोर्ट सबमिट नहीं की, तब तो आपका प्रमोशन गया। मतलब आप यहाँ पे अपने पर्सनल बेनिफिट और अपने ड्यूटी के प्रति ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए एथिकली अभी डायलेमा में आप फंस चुके हो। तो अभी आपको करना क्या चाहिए, अभी और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला तो एथिकल डायलेमा हमने देख लिया, फिर हमने देखा कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस की जो बात हुई वो भी कहीं कहीं यहाँ पर अगर ऐसा आप करते हैं तो वो भी क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी। फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है आपके पोस्ट से रिलेके, और आपका यहाँ का वर्क कल्चर क्या है कि आप जिस हिसाब से आपका जनरल मैनेजर ऐसी गलत बातों के लिए आपको एम्फसाइज करने की बात कर रहा है तो आपका वर्क कल्चर कैसा रहा। फिर आपके अंदर जो भी पब्लिक सर्विस की वैल्यूज़ थी वो पब्लिक सर्विस की वैल्यूज़ कौन कौन सी यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रही है, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप बाई पर्सन चलें कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, सबसे पहले डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट पर आप खुद ही हैं, दूसरा आपके सीनियर है जनरल मैनेजर, तीसरे नंबर पे बबलू है, और चौथे नंबर पे मीडिया है, और पांचवें नंबर पे वो क्राउड है जिसके 50 प्लस मेंबर्स की डेथ हो गई है। तो इतने सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं, तो इनके रेस्पेक्ट में भी ये बता सकते हो कि क्या क्या सोल्यूशन मिल सकता है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम बताओ कि भाई देखो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो क्या होगा कि फिर प्रमोशन रुक जाएगा हमारा। प्रमोशन रुक जाए तो बात की बात है, लेकिन ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी अगर चली गई तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं अपने आप को कभी खुद माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर खुद ही ऐसे वैल्यूज़ नहीं है कि मैं कभी भी डिसऑनेस्ट तरीके से कुछ भी आंसर करूँ। लेकिन बात आती है परिवार के खाने पीने की और अपने थोड़े पावर गेन करने की, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मुझे डिविजनल जनरल मैनेजर की पोस्ट मिल गई तो बढ़िया होगा। थोड़ा सा और बेसिक में घुसते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है रेलवे एक्ट के अंतर्गत। तो इंडियन रेलवे एक्ट 1989 का क्या कहता है कि देखो जो भी डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं वो किसी भी एक डिवीज़न को हेड करता है, और उसमें बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, मतलब एक जोन होता है सबसे बड़ा, उस जोन के अंदर बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, और उस एक डिवीज़न को DRM मैनेज करता है, और उस पूरे जोन को कौन मैनेज करता है, वो जनरल मैनेजर है। तो 3 साल के लिए आप एज ए DRM अपॉइंट होते हो, और उसके बाद आपको फर्दर पोस्ट में मिल जाती है और भी मतलब प्रमोशन वगैरह हो जाता है। तो प्रमोशन के दौर में अब आप भाग रहे हो और आपको पता है कि अगर मैंने डिसफेवर में आंसर दिया तो प्रमोशन तो नहीं मिलना है, तो आप यहाँ पे अपने पब्लिक सर्विस के कोर वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहोगे। और सही तरीका यही होगा भी कि आप उसका अल्टरनेटिव मेथड लेके आओ। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, पहले स्टेप में आप ये कर सकते हो कि आप पोलाइटली उस बात को अपने GM तक पहुंचाओगे, अपने जनरल मैनेजर तक पहुंचाओगे कि आप इनेबल हो, मतलब आपके अंदर आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कैपेबल नहीं हो क्योंकि आप तो कर ही सकते हो, मतलब आप ऐसा करना नहीं चाहते हो, आप ये बताओ। क्योंकि यहाँ पर बात एक इंसान की नहीं है, केवल बबलू की बात नहीं है, वो जो 50 परिवार के सदस्यों की मौत हुई है ना, वो बहुत ग्रीव सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को हम गलत नहीं ठहरा पाते हैं तो इससे क्या होगा कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि कोई भी गलती कितनी भी करता है उसको सज़ा तो मिलनी नहीं है अगर उसका ऊपर तक पहुंच है। तो आप इसीलिए अपने जनरल मैनेजर को बहुत ही पोलाइटली पहले तो यही समझाओगे, फिर आप ये भी समझो कि आप अपने ड्यूटी के प्रति बिल्कुल कमिटेड हो। रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे जो है वो कौन कंट्रोल करता है, वो है रेलवे बोर्ड। मतलब कि GM सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कौन है, रेलवे बोर्ड है। तो आप रेलवे बोर्ड को ये सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हो अगर तुम्हारा GM जो है वो इस बात से सहमत नहीं होता है तो, पहले वाले केस से। तो रेलवे बोर्ड में आप एक लेटर लिख के डाल दो कि मेरे GM जो है वो प्रेशर डाल रहा है ऐसे अनड्यू फेवर देने के लिए, और ये बात है। तो और तीसरा स्टेप में आप क्या कर सकते हो कि जो भी बबलू है उसको मिलो,
बबलू को ये बताओ कि देखो तुम बाहर गए तो तुम्हारा कुछ पर्सनल काम होगा, तो तुम क्या करो कि कुछ अपना ऐसा केस वेस बनाओ कि तुम इसको जेन्युइन तरीके से बताओ ना कि तुम एक्चुअल में क्यों काम छोड़ के गए थे, तुम्हारे तुम्हारे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी उसके वजह से गए थे या फिर ऐसा कुछ भी। तो वहाँ पर क्या होगा ना कि नेचुरल लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस जब भी लगेगा तो उस केस में बबलू के पी बैकग्राउंड्स को देखा जाएगा कि वो क्यों अपना काम छोड़ के उस टाइम के लिए गया था। तो हो सकता है कि बबलू को फिर सजा वजा कम हो, उसकी जॉब उससे ना छीनी जाए, तो ये सारे केसेस भी हो सकते हैं। तो 3-4 मेथड्स हैं जो कि आप इख्तियार कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों ये था केस स्टडी, जो भी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, आपको उसके अगेंस्ट में आंसर करने हैं। और जिनको भी मेरे से आंसर चेक करवाने हैं तो उसके लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा कि आप कितना सही लिख रहे हो कितना गलत लिख रहे हो, कब कितने मार्क्स मिल सकते हैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट, हैव अ नाइस डे।